हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीना वैसल। कैसे हैं आप सब? कई बार क्या होता है ना कि हमारी स्किन डल होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, हमारी स्किन को विटामिन सी की ज़रूरत है, या हमारी स्किन को हीलिंग की ज़रूरत है, या डेड स्किन लेयर जमा हो गई। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट उठा के ले आते हैं और स्किन पे लगाना चालू कर देते हैं, जिससे हमारी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि हम ओरिजिनल चीज़ जो हमें चाहिए, जो नीड है, वो चीज़ ला ही नहीं पाते, क्योंकि हमें पता नहीं है। आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम जो होता है ना, वो स्किन को ब्राइट करने का काम करता है। विटामिन सी स्किन के लिए और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए हम स्किन में ग्लो लाने के लिए विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स या फूड होते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और स्किन पर भी हम ऐसी चीज़ें लगाते हैं। क्योंकि आप हेल्दी फूड खाओगे तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, उसी तरह से हेल्दी चीज़ स्किन पर लगाओगे तो स्किन भी हेल्दी होगी। अंदर से अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, आप खुश हैं, तो बाहर से भी आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ ना, वो विटामिन सी सीरम है और अंडर आई जेल है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि अंडर आई में कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अंडर आई की बहुत ज़्यादा आपको पुरानी प्रॉब्लम है। अगर बहुत पुराने अंडर आई डार्क सर्कल है तो उसको जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करने पड़ेंगे, और रेगुलर जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको आपको अंडर आई के नीचे लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास रखना पड़ेगा। जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो वो चीज़ तो वर्क करती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी आप कोई चीज़ स्किन पे लगाते हैं तो उसका 20 या 30% उसका काम होता है, बाकी जो 70-80% होता है ना, वो हमारा बिलीव सिस्टम होता है। अगर आप विश्वास करते हैं ना, तो आपका विश्वास काम करता है गाइस। इसलिए विश्वास कीजिए इन सब रेमेडी पे। नेचुरल चीज़ें हैं, आपने खुद ने बनाई है, शुद्ध चीज़ें हैं, और ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि मार्केट की क्रीम भी इनके आगे कुछ नहीं लगेगी, तो इनका यूज़ ज़रूर कीजिए। अंडर आई के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो उसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस वीडियो में जो मैंने बताया है वो आपने किया तो डार्क सर्कल बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस वीडियो का लिंक जो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगी, तो आप उसको जा करके गाइस ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ऐसी चीज़ बताई कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने भी इस तरह की बात नहीं की है। वो ओरिजिनल चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर की है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, विटामिन सी सीरम और अंडर आई जेल। सीरम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज के छिलके लिए हैं और एक नींबू लिया। इसमें थोड़ा सा रस है, वैसे छिलका ही लेना था, लेकिन थोड़ा सा रस था, मैंने इसका यूज़ कर लिया। इसको रोज़ वाटर में मैंने गला दिया है। कम से कम आपको इसको 3 घंटे तक गला के रखना है। मैंने पूरी रात इसको ऐसा ही गला के रखा था, क्योंकि इसका हमको सीरम बनाना है। अब हम अंडर आई क्रीम बनाने के लिए यहाँ पर 2 बादाम ली है और उसमें पानी डाला। इसको भी आपको रात भर भिगो के रखना है, क्योंकि इसको छिलके उतार के फिर हमको इसका यूज़ करना है। तो दोनों चीज़ें गला दी है, इसको ढक के पूरी रात भर के लिए रख दिया था, और सुबह में वो जो छिलके थे उनको पीस लिया है, और ये हमारा उसका मिक्सचर तैयार हो गया, पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें से सीरम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो इसको सबसे पहले आपको छान लेना है, ताकि फाइन पेस्ट जो है इसका वो हमें मिल जाए, तो स्किन में लगाने में आपको बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, आपको लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह के कोई छिलके बीच में नहीं आएंगे, इसलिए इसको छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल का, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, पिंपल्स को भी दूर करता है और स्किन को भी क्लीन करने का काम करता है। विटामिन ई की 2 कैप्सूल्स डाली है, ये स्किन में जो भी दाग धब्बे है ना, उनको भी दूर करेगा और स्किन को ग्लो लाने में, स्किन में ग्लो लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है विटामिन ई की कैप्सूल्स। तो ये हमने मिक्स कर लिया, इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, और ये आपका विटामिन सी सीरम बनके रेडी हो चुका है। मिक्स बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये सीरम बनके तैयार हो गया। अब हम अंडर आई जेल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर लिया है, उसमें बादाम को अच्छी तरह से घिस लिया है। आप चाहे तो कूट के या मिक्सर में बादाम का पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से इजी लगता है, तो मैंने इस तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लिया है।
अब ये जो पेस्ट है उसको एक बाउल में ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ग्लिसरीन डाला है। ग्लिसरीन इसलिए क्योंकि अंडर आई एरिया थोड़ा ड्राई होता है और ग्लिसरीन हाइड्रेशन का काम करता है। थोड़ा सा नारियल का तेल ऐड किया, यही है जो आपकी स्किन में से डार्कनेस को दूर करेगा और स्किन में ग्लो लाने का काम करेगा। इसमें थोड़ा सा हमने जो विटामिन सी सीरम बनाया है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अंडर आई एरिया में भी विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो बादाम में भी विटामिन सी होता है। और ये आपका बन गया है अंडर आई जेल तैयार। ये इतना अमेजिंग और इतना इफेक्टिव है, आप बना के इसको रखिए। 15-20 दिन तक इसको कुछ भी नहीं होगा, आपको फ्रिज में इसको रखना पड़ेगा। चाहे तो फ्रीज़र में भी इसको रख सकते हैं, इसके आइस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है, तो सबसे पहले फेस को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और रात को आपको इसका यूज़ करना है। चाहे तो आप पहले स्क्रब भी कर सकते हैं, मैंने अपने वीडियोस में बहुत सारे स्क्रब भी बताए हैं। आप मेरे वीडियो में देख करके और जो स्किन एक्सफोलिएशन वाला वीडियो है, स्क्रब वाला वीडियो, उसको देख के स्क्रबिंग कर सकते हैं वीक में एक बार, और उसके बाद आप इस सीरम को लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो स्क्रब वाले जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक डाल दूँगी, तो आप उसको जाके ज़रूर चेक कर करना। गर्दन पे, गले पे, सभी जगह पे अच्छी तरह से इसका मसाज करना है। मसाज करने से क्या होता है, सीरम बहुत अच्छी तरह से स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगी, तो ये बाहर से भी वर्क करेगी और अंदर से भी वर्क करेगी। सीरम अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो चुकी है, हमने मसाज कर लिया है। अब हम अंडर आई में जो हमने जेल बनाया है उसको लगाएंगे और अंडर आई में अच्छी तरह से उसका मसाज करेंगे। जब हम अंडर आई में जेल लगाते हैं ना, तो आईज के ऊपर भी आपको लगाना है, क्योंकि ये वाला एरिया भी बराबर डार्क होता जाता है अंडर आई के साथ, इसको हम ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे भी हमको अच्छी तरह से मसाज करना है और ये जो जेल बना है उसको स्किन के अंदर उतारना है। देखो, मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए। मसाज करने से आप जो चीज़ लगा रहे हो ना, वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती है और हमारी स्किन को मसाज भी मिलता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो अच्छी तरह से मसाज करने के बाद में आपको इसको वैसा का वैसा पूरी रात के लिए छोड़ देना है और सो जाना है। ये आपकी स्किन में से पिगमेंटेशन, झाइयाँ, डार्क सर्कल, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करके स्किन को ब्राइट करने का काम करेगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, कितना इजी था ये विटामिन सी सीरम बनाना और अंडर आई जेल बनाना, बहुत ही ज़्यादा इजी था और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। यकीन मानिए, मार्केट की महंगे महंगे जो क्रीम्स आप लेकर के आते हैं ना, वो भी इसके सामने फेल हो जाएगी। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एक तो ये नेचुरल है और दूसरी बात कि हमने अपनी आँखों के सामने, हमने खुद ने इस चीज़ को प्रिपेयर किया है, खुद ने बनाया है और ये एकदम शुद्ध है। हाँ, थोड़े थोड़े दिनों में आपको इसको बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको बनाइए, लगाइए और रिजल्ट को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं इसी तरह की होममेड और नेचुरल चीज़ें लेके इस चैनल पे आती हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर देना, क्योंकि मैं वहाँ पे 15 सेकेंड्स के बहुत सारी रील डालती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्किन और हेयर से रिलेटेड डालती हूँ और बहुत सारा नॉलेज भी शेयर करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे अपने कंटेंट डालती हूँ, वहाँ पे भी मैं रील बना के डालती हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के एजुकेशन और वीडियो के साथ में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।